हेलो पेरेंट्स, आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि स्कूल के ऑनलाइन एग्ज़ाम आप कैसे अटेंड कर सकते हैं कैंपस केयर एप्लीकेशन से। उसके लिए सबसे पहले आपको कैंपस केयर मोबाइल ऐप या गूगल क्रोम ब्राउज़र से लॉगिन करना है स्कूल की एप्लीकेशन। दोनों तरीक़ों से हम बताएंगे कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप गूगल क्रोम ब्राउज़र या मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र, जो कि आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल्ड होता है, उससे आप कैसे एक्सेस करेंगे। ब्राउज़र एप्लीकेशन में आप स्कूल का यूआरएल टाइप करेंगे sxsncampuscare.in। ये टाइप करने के बाद आपको पॉपअप अलाउ करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन किया, गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपने स्कूल का यूआरएल टाइप किया sxsncampuscare.in। ये टाइप करने के बाद आपको पॉपअप अलाउ करना है। पॉपअप अलाउ करने के लिए राइट साइड में ऑप्शन आता है। पॉपअप अलाउ करने के उपरांत आपको स्कूल का लॉगिन पेज मिलेगा। लॉगिन पेज इस तरह से होगा, जिसमें कि आप आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे। आईडी पासवर्ड आपके पास यदि ना हो तो आप अपने संबंधित क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर्स से, स्कूल के ऑफिस से आप ले सकते हैं, या आप नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड ऑप्शन पे भी जाके अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के आप अपना आईडी पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। जो भी बच्चे को यूज़र आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, जिसके माध्यम से आप बच्चे का डेली होमवर्क चेक करते हैं, वही आपको यहाँ पे इंटर करना है, जो कि मोबाइल ऐप में आप यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक आईडी और पासवर्ड इंटर किया। आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद मुझे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन मैंने किया। साइन इन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है उसको हमने क्लोज़ किया। अब इसके बाद आपको चले जाना है एकेडमिक पार्ट में। लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, उसमें एकेडमिक ऑप्शन में आपको जाना है। एकेडमिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। ये ब्राउज़र एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग लैपटॉप या पीसी से इसको यूज़ करते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र में, मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। जो लोग मोबाइल से एप्लीकेशन अटेंड करना चाहते हैं, एग्ज़ाम अटेंड करना चाहते हैं, वो मोबाइल ऐप से भी अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन को क्लिक करना है आपको। याद रखें, ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन को क्लिक करना है। इसमें दोस्तों दो तरह के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डन लिस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टू बी डन लिस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डन लिस्ट जो ब्लू कलर से आ रहा है, वो जो टेस्ट आपने अटेंड कर लिए हैं उनकी लिस्ट आती है यहाँ पे। और जो ऑरेंज कलर से लिस्ट आ रही है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टू बी डन लिस्ट, यानी ये टेस्ट ड्यू है और आपको अटेंड करना है। इस पर सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद ये टेस्ट ओपन हो जाएगा नीचे ऑनलाइन एग्ज़ाम सेक्शन में। ब्राउज़र एप्लीकेशन से एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट टू बी डन लिस्ट, जो हमें अभी बताया, उस पर सिंगल क्लिक करना है, जो एग्ज़ाम आपका ड्यू होगा। एग्ज़ाम पे क्लिक करते ही जीके के आगे हमारा एग्ज़ाम वन आ रहा था काउंट, जिसके नीचे हमने क्लिक किया तो ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले ऑप्शन में हमारा एग्ज़ाम शो करने लगा। उस पर क्लिक किया हमने और हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें इस एग्ज़ाम में एक टाइमर आ रहा है। टाइमर यानी टेस्ट ये कितने मिनट्स के लिए है, कितने आवर्स के लिए है, वो शो कर रहा है। 4 मिनट्स 46 सेकेंड्स हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बचे हुए हैं। क्लास वन के लिए टेस्ट है सब्जेक्ट जीके टर्म सैंपल टेस्ट और मैक्सिमम मार्क्स 15। 4 सवाल इस प्रश्न पत्र में है, टेस्ट पेपर में है, ये आप देख पा रहे हैं। सारे प्रश्न एक बाई एक नहीं आएंगे, वन क्वेश्चन एट ए टाइम आएगा, जिसको हम अटेंड कर सकते हैं। पहला सवाल है हमारा, डैश इज़ आवर नेशनल एनिमल, इसको हमें अटेंड करना है। नीचे कुछ बटन्स आप देख रहे हैं, स्किप रिव्यू लेटर और नेक्स्ट, स्किप रिव्यू लेटर और नेक्स्ट। इन बटन्स का अपना पर्पज़ है। स्किप यानी किसी सवाल को आपको छोड़ना है, रिव्यू लेटर बाद में अगर आप अटेंड करना चाहें रिव्यू लेटर करेंगे, नेक्स्ट बटन अगले सवाल पे जाने के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस सवाल को अटेंड करते हैं। टाइगर हमने करेक्ट ऑप्शन चुना यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला हमारा सवाल है, हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। 4 पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई है, इसमें से हमें अपने प्रधानमंत्री का ऑप्शन चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 पिक्चर इमेजेस दी गई हैं। यहाँ से हम करेक्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। पीछे वाले सवाल पे जाने के लिए प्रीव्यू बटन है,
अगर सवाल हमें अटेंड नहीं करना है तो रिव्यू लेटर कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन अगले सवाल पे जाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हम यहाँ से चूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अगला हमारा सवाल है, हु इज़ दिस फेमस पर्सनालिटी। इस सवाल को हमने अटेंड करना है, हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर बिल गेट्स की है, बिल गेट्स वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। सिंगल क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तीन प्रश्न हमने ले लिए हैं, चौथे सवाल पे हम जा रहे हैं और इस सवाल को भी हम अटेंड करते हैं। फाइनली चार सवाल थे हमारे टेस्ट पेपर में, चारों सवालों को वन बाई वन हमने अटेंड कर लिया। तो पेरेंट्स, ये एक MCQ बेस्ड पेपर है, इसीलिए वन क्वेश्चन एट ए टाइम आएगा। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, टेस्ट पेपर में कितने प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुने कि जितने भी प्रश्न आपके टेस्ट पेपर में आपको दिखेंगे, प्रश्न पत्र हल करने के बाद, टेस्ट पेपर अटेंड करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। किसी सवाल पे आपको अगर बीच में जाना है सबमिट बटन से पहले, तो आप क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करेंगे, आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। इस प्रोसेस से आप क्वेश्चंस को एक बार रीचेक कर सकते हैं कि जो आपने आंसर्स दिए हैं वो सारे सही हैं कि नहीं। रीचेक करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करिए विद इन टाइम लिमिट। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका एग्ज़ाम सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यानी कि आपने टेस्ट सबमिट कर दिया है। इस तरह से आप अपने टेस्ट को अटेंड करके विद इन टाइम सबमिट कर सकते हैं। जब आपने एग्ज़ाम अटेंड कर लिया, उसके बाद अब हम दोस्तों देखते हैं अगला ऑप्शन कि मोबाइल एप्लीकेशन से हम कैसे इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। इसी टेस्ट पेपर को हम मोबाइल एप्लीकेशन से भी अटेंड कर सकते हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप डेली के होमवर्क और असाइनमेंट्स चेक करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, जैसा कि आपको पता है, कैंपस केयर के नाम से है। जिन लोगों ने इसको डाउनलोड ना किया हो, वो कैंपस केयर अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या एप्पल के फ़ोन्स पे डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल की URL sxsncampuscare.in है। मोबाइल एप्लीकेशन में ID पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा एग्ज़ाम का, वो ऑनलाइन असेसमेंट के नाम से दिखेगा। ऑनलाइन असेसमेंट ऑप्शन मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगा सबसे नीचे हेल्प ऑप्शन के बगल में। इसमें जो टेस्ट आपको अटेंड करना है, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं GK का एक टेस्ट है, GK पे आपने क्लिक किया। जो भी आपको टाइम टेबल मिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेस्ट अपलोड होंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक किया आपने, स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इस प्रश्न पत्र में दो सवाल हैं, 1/2 आ रहा है, मैक्स 5 हैं। टाइमर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो टाइमर आप यहाँ देख पा रहे हैं, टाइमर साथ साथ चल रहा है। 3 मिनट्स 42 सेकंड्स बाकी हैं, मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं। और यहाँ पे आप टाइमर देख रहे हैं, टाइमर भी साथ साथ चल रहा है, जो आपको ये सूचना दे रहा है कि इस टेस्ट को ख़त्म होने में कितने मिनट्स बाकी हैं। हु इज़ द PM ऑफ इंडिया, ये हमारा पहला सवाल है। यहाँ पे हमने अपना ऑप्शन चूज़ किया बी। ये अटेंड करने के बाद हम अगले सवाल पे जाएंगे। इसके लिए स्क्रॉल करके नीचे जाना है। आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको तीन बटन्स दिख रहे हैं, स्किप रिव्यू लेटर और नेक्स्ट। स्किप ऑप्शन यूज़ करेंगे तो बिना अटेंड किए इस सवाल के आगे बढ़ सकते हैं। रिव्यू लेटर यानी बाद में अटेंड करेंगे, और नेक्स्ट यानी कि हमने अटेंड करके इसके आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस ऑप्शन को चूज़ करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, तभी आप आगे प्रोसीड करिए। हु इज़ दिस फेमस पर्सनालिटी हमारा अगला सवाल है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हम चूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, एक पिक्चर दी गई है पर्सनालिटी की, उसको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को। हमने बिल गेट्स ऑप्शन चुना और सबमिट बटन पर क्लिक किया। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद, जैसा कि देख रहे हैं आप, दो सवाल थे इस टेस्ट पेपर में और दोनों को हमने वन बाई वन अटेंड किया। वन बाई वन अटेंड करने के बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे हमने क्लिक किया और आपका एग्ज़ाम सबमिट हो गया, टेस्ट पेपर सबमिट हो गया। इस तरह से आप एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप बैक बटन दबाइए। बैक करने के बाद आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे अपने मोबाइल एप्लीकेशन के।
एग्ज़ाम आपने सबमिट कर दिया। तो मित्रों, अगर आप एग्ज़ाम को अटेंड कर रहे हैं ब्राउज़र एप्लीकेशन से, तो आप लैपटॉप या पीसी से अटेंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम हमने सबमिट किया उसका रिज़ल्ट हम कैसे देख पाएंगे। इसके लिए हम पहले तो देखते हैं कि ब्राउज़र एप्लीकेशन पे हम कैसे देख सकते हैं। ब्राउज़र एप्लीकेशन के लिए हम ब्राउज़र एप्लीकेशन पे गूगल क्रोम पे चले जाएंगे, जो हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ब्राउज़र एप्लीकेशन में हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑप्शन के अंदर जाना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में जैसा मैंने पहले बताया था, जो टेस्ट हमने अटेंड कर लिए उसमें लेफ़्ट साइड में जो टेस्ट हमने कंडक्ट कर लिए हैं, अटेंड कर लिए हैं, वो टेस्ट आ रहे हैं, उस पर हम क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम पे हम क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद जो टेस्ट हमने अभी अटेंड किया है वो टेस्ट उस लिस्ट में आ जाएगा, उस पर सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद वो टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले सेक्शन में नीचे ओपन हो जाएगा। सेट थ्री हमने अभी अटेंड किया था, सेट थ्री पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके साथ ही जो है हमारे एग्ज़ाम की रिज़ल्ट की समरी यहाँ पे हमें शो हो रही है। अलग अलग कलर से करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स, नॉट अटेम्प्टेड और डिस्क्रिप्टिव दिख रहे हैं आपको। जो चार सवालों के हमने आंसर्स दिए थे वो चारों करेक्ट थे। इसको हमने अटेंड किया। अटेंड करने के बाद अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहते हैं, जो आंसर शीट कही जाती है, जैसा कि आप स्कूल में एग्ज़ाम देने के बाद आपको रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले आंसर शीट दिखाई जाती थी, ये आंसर शीट है आपकी, जो आपने सवालों के सही जवाब दिए या गलत दिए वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। जब स्कूल रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है तो ये ऑप्शन आपको वहां पे दिखेगा। जिस भी डेट में स्कूल रिज़ल्ट अनाउंस करेगा आपको नोटिफाई किया जाएगा और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं पोर्टल पे ही या मोबाइल एप्लीकेशन पे। इस तरह से देख रहे हैं कि जो आपने सवालों के आंसर्स दिए थे वो सारे सही हैं। समरी देखने पे आपको करेक्ट आंसर्स कितने थे, रॉन्ग कितने थे, मार्क्स कितने हैं, ये आपको दिख रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आपको रिज़ल्ट देखना हो, उसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वापस ऑनलाइन असेसमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो टेस्ट आपने अटेंड किए हैं वो टेस्ट दिख रहे हैं। रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर टेस्ट के रिज़ल्ट ऑप्शन पे। रिज़ल्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसका रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये समरी पार्ट है, यानी कितने आंसर्स आपने सही किए, कितने गलत किए। दो सवाल थे इस टेस्ट पेपर में, दोनों के दोनों हमने सही अचीव किए हैं, करेक्ट हैं। और अगर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको आंसर शीट दिख जाएगी, जो आपने करेक्ट आंसर्स टिक किए हैं या रॉन्ग किए हैं, और आपको सवाल भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर शीट को भी देख सकते हैं, उसको समरी और डिटेल देख सकते हैं। राइट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स जो भी आपने अटेंड किए या सबमिट किए वो सारे आपको दिख रहे हैं। समरी और डिटेल अपने टेस्ट की आप देख सकते हैं। इस टेस्ट को अटेंड करते समय यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन से टेस्ट को अटेंड कर रहे हैं तो आप कॉल्स को उस ड्यूरेशन में अवॉइड करें। कोई भी कॉल ना आए उस ड्यूरेशन में तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए आप मोबाइल में DND एक्टिवेट कर दें, डू नॉट डिस्टर्ब मोड आपका सेटिंग्स में आता है, उसको आप इनेबल कर दें। इनेबल करने से ये होगा कि उस दौरान कोई भी कॉल्स नहीं आएंगे और आपका नेट चलता रहेगा। और यदि आप इसको लैपटॉप पीसी से अटेंड कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, लैपटॉप पीसी में कॉल्स का कोई झंझट नहीं रहता, आप कोई भी कॉल्स उस दौरान नहीं आएंगे, कॉल्स को अवॉइड करिए। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग पहले से लॉगिन करके ना रखें इसको। जो भी आपको टेस्ट का शेड्यूल मिला है उसके एक या दो मिनट पहले ही आप लॉगिन करें, अपने नेट की कनेक्टिविटी इंश्योर करें कि आपका नेट डिस्टर्ब ना हो उस दौरान। और अगर आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं तो कॉल्स को अटेंड करें, अवॉइड करें उस दौरान, ताकि कोई भी किसी रिलेटिव की कॉल ना आए या किसी भी पर्सन की कॉल उस दौरान ना आए, उससे आपका टेस्ट बहुत अच्छे से कंडक्ट हो जाएगा। नेट का कोई भी डिस्टर्बेंस अगर उस दौरान होता है तो आपका पेपर डिस्टर्ब हो सकता है, आप हो सकता है कि आपका टेस्ट पेपर सबमिट ना हो, आप अटेंड ना कर पाएँ या ऑटो सबमिट हो जाए अपने आप। इस तरह की दिक्कत अगर आपको आती है तो आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लें, और क्लास टीचर्स को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, स्कूल अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप नेट की कनेक्टिविटी बराबर बनाए रखें। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लैपटॉप या PC से इसको अटेंड करेंगे तो आपको नेट कनेक्टिविटी प्रॉपर मेंटेन रखनी होगी। मोबाइल ऐप से इसको अटेंड करेंगे तो आप कॉल्स को अवॉइड करिए उस दौरान, कोई कॉल्स ना आए। जो भी ड्यूरेशन है
उस ड्यूरेशन के अंदर एग्ज़ाम को सबमिट करें। यदि आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, सबमिट बटन पर क्लिक नहीं कर पाते हैं और आपका नेट बना हुआ है, तो जितने भी सवाल आपने अटेंड किए हैं वो ऑटो सबमिट हो जाएंगे। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए नेट उस समय जिस समय आपका पेपर ओवर हो रहा है, तभी वो एग्ज़ाम ऑटो सबमिट होगा। रिज़ल्ट के लिए स्कूल जो भी डेट और टाइम रिज़ल्ट के लिए तय करेगा, उस टाइम पे आपका रिज़ल्ट पोर्टल पे ही डिक्लेयर होगा, जैसा मैंने रिज़ल्ट देखने का प्रोसेस आपको बताया है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएँ ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए और इस मॉक टेस्ट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।